हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सरबजीत सिंह और आप देख रहे हैं टेक केयर्स के। दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा कि पोको C3 को आप अपडेट कैसे कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों बिना किसी तरीके वीडियो शुरू करते हैं। इसके लिए आपको सबसे पहले सेटिंग्स में चले जाना है। सेटिंग्स में जाने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पर अबाउट फोन पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपको MIUI वर्जन पर क्लिक कर देना है यहाँ पर, और ये स्कैन करेगा कि आपको कोई अपडेट आई हुई है या फिर नहीं। अगर आपको अपडेट आई होगी तो यहाँ पर आपको अपडेट शो हो जाएगी, यहाँ पर आपको उसके फीचर्स यहाँ पर अपडेट शो हो जाएगी और साथ में यहाँ पर लिखा हुआ होगा अपडेट, तो आपको उस पर क्लिक कर देना है और आपकी डाउनलोड या अपडेट कुछ भी लिखा होगा आपको आपकी जो अपडेट है वो डाउनलोड होनी शुरू हो जाएगी। नेट ऑन रखना है। जब भी आपकी अपडेट डाउनलोड हो जाएगी तो यहाँ पर लिखा जाएगा रिबूट या फिर अपडेट, ऐसे कुछ लिखा आया होगा। जब डाउनलोड हो जाएगी प्रॉपर तो आपको उसके बाद वहाँ पर क्लिक कर देना है और आपका जो फ़ोन है स्विच ऑफ मोड में चला जाएगा और अपने आप इंस्टॉल होनी शुरू हो जाएगी जो भी आपकी अपडेट होगी। जब भी आपकी अपडेट जो है, जब भी आपका फ़ोन अपडेट हो जाएगा तो आपका जो फ़ोन है वो अपने आप स्विच ऑन हो जाएगा, आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। तो अपडेट हो जब हो रहा हो तो उसे बिल्कुल भी मत छेड़िएगा।